अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज हमने नाइन्थ क्लास फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है। तो आपने इस टॉपिक को एंड तक बहुत ही अच्छे से समझना है कि इनकेस अगर ये दोबारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम है वो होता क्या है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स सेम। अब इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमें बताया हुआ है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर हमारे पास हो उसके अंदर चाहे दो बॉडीज हैं या दो से ज्यादा बॉडीज हैं, जब वो इंटरेक्ट करती हैं तो उसके नतीजे में जो मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सिस्टम का और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब पता होना चाहिए, तभी आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ आएगी। देख लेते हैं सिस्टम क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। अब हमारे पास कोई भी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बॉडीज हैं हमारे पास, लेकिन उसके ऊपर हमने एक लिमिट लगाई हुई, उसकी बाउंड्रीज जो है उसको हमने लिमिट कर दिया उसके अंदर, तो वो जो हमारा बॉडीज होंगी उनको क्या नाम देंगे हम, सिस्टम का। अब जैसे अगर एग्जांपल ले लीजिए, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जार है कोई भी और इसके अंदर गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर अब क्या चीज़ है, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये एज अ बॉडीज एक्ट कर रही है और इसकी एक सर्टेन लिमिट है, ठीक है। अभी जो पार्टिकल्स हैं इस लिमिट से बाहर, इस जार से बाहर या इस सिलेंडर से बाहर नहीं जा सकते, तो ये हमारे पास क्या होगा, एज अ सिस्टम बिहेव करेगा। इसी तरीके से आप इसी कॉमन एग्जांपल मजीद ये भी ले सकते हैं, जैसे हमारा स्कूल होता है, स्कूल के अंदर डिफरेंट रूम्स होते हैं और इसका एक खास लिमिट होती है एंट्रिंग की और एग्जिट करने की, निकलने का रास्ता होता है, और इसी तरीके से सारी चीज़ें लिमिट के अंदर होती हैं, बाउंड्रीज के अंदर होती है, तो वो भी हमारे किस्म का क्या होता है, सिस्टम होता है। आपने अक्सर नाम भी सुना होगा ग्रूमफील्ड सिस्टम, या अक्सर जो स्कूल्स होते हैं उनके नाम के साथ सिस्टम भी लगा हुआ होता है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है सिस्टम का, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अज्जा हो, बॉडीज़ हो, जब उनके पास सर्टेन लिमिट अप्लाई कर दी जाए, उनकी बाउंड्रीज स्पेसिफाइड कर दी जाए, देन उस केस में उसका नाम क्या हो जाता है, सिस्टम। अब हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड का जो मतलब ही क्या होता है, तन्हा, ठीक है, अकेला। आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जो अलग हो। अब इसका क्या मतलब होगा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच टू नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। अब हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर वो खुद तो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, लेकिन एक्सटर्नली कोई भी अदर बॉडीज इनके ऊपर ना ही फोर्स लगा सकती है, ना ही इनके साथ कोई इंटरेक्शन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी की हम मिसाल ले लें, अभी जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अब इस जार के बाहर हमारे पास एयर मौजूद होगी तो एयर के भी अंदर आपको पता है जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के मौजूद होते हैं, तो डिफरेंट गैसेस होती हैं। अब ये जो गैस का पार्टिकल है ये डायरेक्ट अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक लिमिट लगाई हुई है, एक बाउंड्री सेट की हुई है, तो इसकी जो हमारे पास जार है उसकी वॉल के साथ तो फोर्स एग्जर्ट कर सकता है लेकिन इस पार्टिकल के साथ नहीं कर सकता। तो इस नतीजे में ये जो हमारा सिस्टम होगा ये क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स खुद एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर सकें, फोर्स लगा सकें, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो सके, लेकिन एक्सटर्नली कोई भी अलग बॉडीज या डिफरेंट बॉडीज उनके ऊपर कोई फोर्स ना लगाए, तो उस केस में उस सिस्टम का नाम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज एयर फील्ड बैलून। अगर आप कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जैसे बैलून होता है उसके अंदर एयर फिल होती है। इनिशियली अगर हम देखें हमारे पास जो भी, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक बैलून है, लेट्स सपोज, अब इनिशियली इसके अंदर हमें पता है कि एयर होगी, एयर के पार्टिकल्स होंगे। इनिशियली जब क्या होता है, इसकी जो एयर होती है इसके अंदर ही होती है, हमने उसको एग्जिट नहीं किया होता, उसको हमने निकाला नहीं होता, तो उस केस में जो इसका मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। उसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास मोमेंटम, हमें फार्मूला पता है पी इज इक्वल टू एम वी, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी इनिशियली जीरो होगी, तो इस वजह से मोमेंटम इनिशियली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम का अगर हम नाम दे दें इसे, तो इनिशियली जो एयर हमारे पास होती है बैलून के अंदर, जब तक वो उसके अंदर मौजूद रहेगी और बैलून जो हमने उसे फ्री नहीं किया, उसे हमने पकड़ा ही हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो उस केस में जो हमारा मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर हम क्या करते हैं,
इसको जो एयर होती है उसको हम वहां से निकलने देते हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, अब हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। उसका क्या मतलब होता है, जितना इनिशियल मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, उसी के इक्वल होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो आया था, तो इसका फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए क्या होता है, जो इसकी एयर होती है वो आगे की तरफ मूव करती है, और जो बैलून होते हैं वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहे हैं तो इनका जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इस वजह से जो यहाँ पर हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी निकलता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। सेम इसी की एक और एग्जाम्पल है रॉकेट मोशन। जब रॉकेट स्टैटिक फॉर्म में होगा, जब हमने उसे स्टार्ट नहीं करवाया होगा, तो उस केस में उसका मोमेंटम जीरो होगा। अब इसी कंडीशन को पूरा करने के लिए जो फाइनल मोमेंटम होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो करने के लिए जो हमारे पास रॉकेट होता है वो तो अपवर्ड मूव करते हैं, लेकिन उसकी जो गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, डाउनवर्ड मूव कर रही होते हैं। तो इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा क्या आता है, जीरो। तो इस तरीके से ये जो दोनों हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम को होल्ड करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है तो आपने यहीं तक लिखना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम की आप डेफिनेशन लिखेंगे, साथ आप एग्जाम्पल दे देंगे। अगर लॉन्ग में आता है तो साथ आप ये मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, ये भी साथ में करनी होगी। लेट अस सपोज के M1 एंड M2 आर द टू मैसेस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज U1 एंड U2 रिस्पेक्टिवली, बट U1 इज ग्रेटर देन U2। अब हमें एक चीज बताई हुई है कि हमारे पास कोई से दो बॉडीज हैं, एक का नाम M1 है और दूसरी बॉडी का नाम M2 है, और ये मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज U1 एंड U2। M1 की जो वेलोसिटी है वो U1 है और M2 की वेलोसिटी क्या है, U2 है। और यहाँ पर एक और चीज हमें बताई हुई है, जो U1 है उसकी वेलोसिटी U2 की निस्बत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, हमें पता है कि जो जिसम ज्यादा लाइट होता है उसके मूव करने की सलाहियत भी उतनी ज्यादा होती है, जितना हैवी जिसम होता है बॉडी होती है, जितनी हैवी हो जाएगी उसके मूव करने की सलाहियत भी उतनी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब चूंकि जो बॉडी M1 है उसका हमें बताया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब होगा, जो M1 है वो हमारे पास लाइट होगा, इसका मास कम होगा, जबकि जो M2 है उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं जो M2 है वो हैवी है और M1 जो है वो लाइट है। M2 हैवी होने की वजह से M2 की जो वेलोसिटी है U2 वो कम होती है, और M1 जो है वो लाइट होता है लिहाजा वो ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है, इसी वजह से जो M1 की वेलोसिटी है जिसे हमने U1 का नाम दिया हुआ वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताया हुआ है मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन। हमने जब इसे प्रूफ करना है तो हमने क्या करना होगा, हमने बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम निकालना है वो दोनों इक्वल पुट कर देने, और वहां से हमने इसको प्रूफ कर देना है। सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास M1। अगर M1 की बात की जाए तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, हमें पता है मोमेंटम हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू MV, मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास M1 के केस में क्या है, मास इसका M1 ही है और वेलोसिटी क्या है, U1। तो इनिशियल मोमेंटम आ गया M1 U1। इसी तरीके से M2 की बात की जाए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास M2, इसका मोमेंटम क्या होगा, M2 और U2। अगर टोटल मोमेंटम की बात की जाए, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जब ये दोनों मासेस एक दूसरे से सेपरेट हैं, फासले पर हैं, अभी इन दोनों ने कोलाइड नहीं किया, एक दूसरे के साथ नहीं टकराए, उस केस में जब टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा, इन दोनों का हम सम कर देंगे, M1 U1 प्लस M2 U2। लेकिन अब हमें पता है कि हमें बताया हुआ जो M1 है वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है और U2 जो है वो ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर रही। आप इसी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे रोड पर हमारे पास दो कार्स हैं, अब जो कार आगे मौजूद है वो ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर रही, वो स्लो मूव कर रही है, और पीछे वाली जो कार आ रही है बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है, तो इससे क्या चांस हो सकता है, इन दोनों के टकराने का, कोलाइड करने का चांस होता है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास U M1 है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये जो मास M1 है ये जाहिरी तौर पर M2 से लाजमी तौर पर टकराएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है कि जब ये कोलाइड होंगे उसके नतीजे में कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज हैं अब वो सेम नहीं रहेंगी, इनकी वेलोसिटीज जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फाइनल इसके बाद हम देखते हैं जो फाइनल हमारा मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन उसका क्या आंसर आता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, जब टकरा जाएंगे ये दोनों बॉडीज, तो उसके नतीजे में अब इनका मोमेंटम क्या होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे जो कोलिजन होगी, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज होंगी इनकी चेंज हो जाएगी। इनिशियल मोमेंटम इनका जो था उस केस में, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी M1 की U1 थी, और M2 जो मास है उसकी वेलोसिटी क्या थी, U2। लेकिन आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास मास M1 है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V2। इसका मतलब ये है बिफोर कोलिजन जो हमने वेलोसिटी शो की थी वो U से शो की थी, U1 एंड U2, लेकिन आफ्टर कोलिजन जो हमने शो करनी है वो V से।
m1 की v1 होगी और m2 की क्या होगी v2। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल मोमेंटम फॉर मास m1, इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1 और साथ में जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वाली v1, m1 v1। इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 क्या होगा m2 एंड v2। अगर आपने टोटल मोमेंटम निकालना है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ मास m1 एंड m2। तो इन दोनों के जो मोमेंटम्स होंगे उनका हम सम ले लेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो इनिशियल मोमेंटम होता है बॉडी का फाइनल मोमेंटम भी वही होता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो हम स्टेटमेंट सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब हमारे पास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों की इक्वेशन मौजूद है, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ और इसे इक्वेशन 2 का। तो आप इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, इस तरीके से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसकी जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकली हमने उसको ड्राइव कर लिया है। अब इसी के बाद इसी का ही मजीद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर तो हमने जो बॉडीज ली थी m1 m2 लिया था, वहां पर हम एग्जांपल लेंगे एक गन और बुलेट की, ठीक है। तो उसको हम डिटेल से जरा डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है जिसे हमने नाम दिया हुआ है गन एंड बुलेट सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जो मास ऑफ अ गन है, हमें पता है हमारे पास जब एक गन और एक बुलेट होती है इन दोनों में से ज्यादा हैवी चीज कौन सी होती है, गन ज्यादा हैवी होती है। इस वजह से जो गन का मास है हमने उसे कैपिटल एम से शो किया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ गन जो वेलोसिटी होगी गन की उसके हमने शो किया हुआ है कैपिटल वी से। इसी तरीके से जो हमारे पास बुलेट होती है वो लाइट होती है, इस वजह से जो उसका मास होगा वो हम स्मॉल एम से शो करते हैं, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम स्मॉल वी से शो करते हैं। तो इस तरीके से मोमेंटम की बात की जाए, मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा mv एंड मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा स्मॉल mv। अब अगर इसके इनिशियल मोमेंटम की बात की जाए, इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, जब हमने फायर नहीं किया तो हमें पता है जो बुलेट है वो भी रेस्ट की हालत में होगी और जो गन है वो भी रेस्ट की हालत में होगी। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर हम इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा जीरो होगा। अब वो जीरो कैसे होगा, आपको पता है जो मोमेंटम है अगर इन दोनों का हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन mv प्लस mv ही होगा, लेकिन चूंकि अब वेलोसिटीज दोनों की जीरो है, वेलोसिटीज कैसे जीरो है, जब तक हमने बुलेट को जब तक हमने फायर नहीं किया तो जो बुलेट है वो गन के अंदर ही मौजूद है रेस्ट की हालत में। और इसी तरीके से जो गन है, गन एक्चुअली क्या होते हैं जब फायर होता है तो जो बुलेट होती है जब वो निकलती है गन क्या होती है रिकॉइल होती है, ठीक है, गन पीछे की तरफ मूव करती है कंजर्व मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो इसी वजह से जो बुलेट है और जो गन है दोनों ने ही मूव करना होता है। यहाँ पर चूंकि दोनों मूव नहीं कर रहे तो हमारे पास ये जो कैपिटल वी होगा ये कैपिटल वी होगा ये भी जीरो होगा और स्मॉल वी भी जीरो होगा। तो इस तरीके से दोनों का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा जीरो आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, जब आपने फायर कर दिया है तो उसके नतीजे में जो मोमेंटम आएगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल mv प्लस स्मॉल mv, मतलब मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, हमारे पास कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर जो इनिशियल मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग के। इनिशियल मोमेंटम को हमने जीरो कहा था और इसके बाद फाइनल मोमेंटम का हमने एक्सप्रेशन निकाला था। तो इन दोनों को आप यूज करते हुए हमने यहाँ से क्या करना है, वेलोसिटी जो है हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन की। तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से मैंने जो कैपिटल वी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस कैपिटल एम और कैपिटल वी को यहीं पे रहने देते हैं, स्मॉल वाली जो क्वांटिटीज है उसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ दे जाते हैं, तो इनके जो साइन है वो माइनस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से जस्ट वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो मास है वो हमारा इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास वेलोसिटी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हम कर चुके हैं। अभी हमारे पास क्या है, कैपिटल वी किस चीज को शो करती है, वेलोसिटी ऑफ गन। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, ये जो माइनस का साइन है, ठीक है, नेगेटिव साइन है, ये किस लिए आता है, ये किस चीज को शो करता है। तो नेगेटिव साइन इस वजह से आता है जैसे हमने बात की थी, अब हमारे पास एक यहाँ पर एक गन है, जब इसमें से बुलेट निकलती है बुलेट आगे की तरफ जाती है और जो गन होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये बैकवर्ड मूव करती है। तो इस वजह से बैकवर्ड मूव करने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से ये जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पर आता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।